जी हाँ दोस्तों, LIC भारत की सबसे बड़ी कंपनी क्यों है आज हम इस वीडियो में ज़रूर आपको बताएंगे। भारत के अलावा बहरीन, केन्या, श्रीलंका और नेपाल, इसके बाद और भी विदेश हैं जिसमें इसका पूंजी 34 लाख करोड़ रुपए की इसकी संपत्ति है। ये चार देश मिलाकर सिर्फ अगर इसकी पूरी इंक्लूडिंग करेंगे तो लगभग 40 लाख करोड़ की LIC की संपत्ति है। इसलिए ये देश की सबसे बड़ी कंपनी है और ये कंपनी भारत का सबसे बड़ा IPO लाने जा रहा है। सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है और ये फर्स्ट स्टेज में कम से कम 90 करोड़ पूंजी जुटाने की व्यवस्था है। इसलिए पॉलिसी धारकों को LIC ने स्टॉक 10% स्टॉक के लिए भी सुरक्षित रखा है और ये LIC IPO जो आ रहा है, हमारा पिछला वीडियो भी ज़रूर आप देख लीजिए क्योंकि ये रिलायंस का भी बाप है और क्या बताएं, ये अडानी का भी बाप है। ये कंपनी LIC के आगे अच्छे अच्छे बड़े जो बिजनेसमैन हैं और जिनको बिजनेसमैन कहा जाता है, देखिए उद्योगपति और जो व्यापारी है दोनों में बहुत अंतर है। जैसे टाटा ग्रुप ये उद्योगपति कहलाते हैं और रिलायंस अडानी जैसे जो कंपनी है ये बिजनेसमैन कहलाते हैं, लेकिन LIC भारत की ये सबसे बड़ी कंपनी बनने वाली है और इसका हम भारतवासी हिस्सा ज़रूर बनेंगे। और ये सारी इसकी H1 फाइनेंशियल ईयर में सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है और जितना जल्दी हो सके ये आप पैसा इकट्ठा कर लीजिए, इसलिए कि ऑफर आ गया है IPO लेने के लिए। सारा छोड़कर IPO LIC का ज़रूर लीजिए क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी है। मैंने बता दिया कि केन्या, बहरीन, श्रीलंका और नेपाल में ये चार देश मिलकर इसका 34 लाख करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति है। कोई दो राय नहीं है ये कंपनी का आगे बढ़ने के। और इसका IPO का प्राइस जो इनिशियल है, आपको जो शेयर रिटेलर के लिए आएंगे, इसकी प्राइस लगभग 400 से 450 के आसपास प्रति शेयर रहेगा। इसलिए आप पैसा अभी से इकट्ठा कर लीजिए। पहली बार आए हैं इंटरडेटेक मुंबई तो MBA BK सिंह को फॉलो करते रहिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।